शराब का नशा करने के बाद हम अपने आप को भी भूल जाते हैं और ऐसे में हमें याद नहीं रहता कि आखिर हम हैं कौन और उसके बाद हम किस अवस्था में कहां पर कैसे पड़े हों, ये तो पता लगता ही नहीं है। चाहे फिर वो आम इंसान हो या फिर सबकी रक्षा करने वाले वर्दीधारी हमारे पुलिस लाइन के व्यक्ति। जी हां, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सिपाही का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में सिपाही नशे की हालत में नजर आ रहा है और इस सिपाही की तैनाती पुलिस लाइन में बताई जा रही है। राहगीरों ने सिपाही की नशे की हालत में देखने पर उसका एक वीडियो बनाया पहले, फिर वीडियो वाले व्यक्ति ने जब उससे शराब पीने की वजह पूछी तो उसने जो कहा उसके सुनकर आप भी खुद हैरान रह जाएंगे। आप पहले खुद सुनिए। मन बोलत भी रहा कि ऐसा बात है, एविडेंस कि हम लोग इतने आदमी तो छुट्टी नहीं मिला। अच्छा, सियाराम पांडे को पूरा था। किस कारण आप छुट्टी लेना चाह रहे थे? किस कारण आप छुट्टी लेना चाह रहे थे? सियाराम छुट्टी लेना चाह रहे थे। किस कारण? हमारा आप किस कारण छुट्टी लेना चाह रहे थे? बोलबा मुन्नू ले। अरे नेता कुछ बोला, हमारा तो ब्लड हुआ है लखनऊ में। जैसा कि आपने सुना, जब उसे शराब पीने की वजह पूछी गई तो व्यक्ति ने कहा भाई मुझे छुट्टी नहीं मिली इसीलिए शराब पी ली है। जी हाँ, उनका यही दुख है कि उन्हें छुट्टी नहीं मिली। अक्सर शराब तब पी जाती है जब हम बहुत ज्यादा खुश हैं या फिर बहुत ज्यादा गम में हैं। अब ये दुख इतना ज्यादा बढ़ गया कि जनाब को शराब का सहारा लेने पड़ा और उसके बाद वो कब कहां किस जगह पर लोटपोट होते रहे उसका तो उन्हें पता ही नहीं रहा। जी हाँ, सड़कों पर ये लेटे हुए हैं। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर शूट किया और अब जमकर वायरल हो रहा है। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के हुकुलगंज का ये वीडियो है। वीडियो रात के समय शूट किया गया। सिपाही सड़क किनारे लेटा दिखाई दे रहा है, वर्दी पहनी हुई है, ठीक से बोल पाने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही है। सड़क पर लेटे हुए सिपाही से जब व्यक्ति ने पूछा तो छुट्टी नहीं मिली तो ड्रिंक कर ली, मेरा विभाग मुझे छुट्टी नहीं देता, मेरा मेडिकल भी है, सभी दस्तावेज दिखाए गए हैं, फिर भी छुट्टी नहीं मिली इसलिए मैंने छुट्टी की अनुपलब्धता में शराब पी ली। इस घटना पर विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये वीडियो किस दिन का है स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये घटना रात के वक्त की है क्योंकि वीडियो के पीछे से जो आवाजें सुनी जा सकती हैं उनसे ऐसा लग रहा है सिपाही सस्पेंड भी है। हालांकि इसकी पुष्टि विभाग की तरफ से अभी नहीं हो पाई है, ना ही इन खबर ऐसी कोई पुष्टि करता है। वीडियो से आ रही आवाज से ये जाहिर हो रहा है कि वहां कुछ लोग मौजूद हैं और मदद करना चाहते हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद वहां से उठाया जाए या फिर नहीं छोड़ा जाए, यही चीजें वो सोच रहे हैं। आपकी क्या राय है वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।